यह रामायण सीरियल का वह दृश्य है जहां एक अद्भुत घटना घटी। यह सत्य घटना है। 1985-86 में समुद्र के किनारे पर रामायण सीरियल की शूटिंग चल रही थी। राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल एक शिला पर बैठे हुए थे। समुद्र के पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग कभी कभी रामायण की शूटिंग देखने आ जाते थे। एक दिन उस गांव में एक बच्चे को सर्प ने डस लिया। बच्चा एकदम बेहोश हो गया और उसके मुंह से सफ़ेद झाग आने लगे। जैसे ही उसकी मां को पता चला, वो बच्चे अपने बच्चे को यानी बच्चा की मां अपने बच्चे को गोदी में लेकर वहां दौड़ी जहां रामायण की शूटिंग चल रही थी। सभी रामायण की शूटिंग में व्यस्त थे। महिला रोती रोती एकदम वहां पहुंची जहां राम जी यानी अरुण गोविल बैठे हुए थे। महिला ने बच्चों को राम जी के चरणों में पटक दिया और जोर जोर से रोने लगी। राम जी मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सर्प ने डस लिया है। आप भगवान हो, मेरे बच्चे को बचाओ। प्रभु मेरे बच्चे को बचाओ। सभी शूटिंग करने वाले हैरान होकर महिला की तरफ देखते रहे। कुछ समय के लिए शूटिंग रोक दी गई। जब महिला राम जी के सामने जोर जोर से रोने लगी, तब राम जी एकदम खड़े हो गए और बच्चे को देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरने लगे। और जैसे ही राम जी ने बच्चे पर हाथ फेरा, बच्चे को होश आने लगा, आंखें खोलने लगा। सभी शूटिंग करने वाले लोग और कुछ महिला के साथ आए लोग दंग रह गए और बच्चा खड़ा हो गया। महिला का भाव देखो कि उधर एक अभिनेता के अंदर प्रभु की शक्ति पैदा हो गई। यह घटना खुद अरुण गोविल ने अपने मुंह से सुनाई थी। 1995 में किसी स्टेज प्रोग्राम में उनको आमंत्रित किया। तब किसी व्यक्ति ने अरुण गोविल जी से पूछा कि रामायण की शूटिंग करते समय आपको कोई ऐसा अनुभव जो आपके लिए अविस्मरणीय रहा हो। तब उन्होंने यह घटना सभी को बताई। जब सच्चे भाव और भावना से पत्थर में भगवान प्रकट हो सकते हैं तो व्यक्ति में क्यों नहीं। कौन कहता सच्चे मन से पुकारें तो भगवान प्रकट नहीं होते। सियाराम मैं सब जग जानी, सियाराम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जय श्री राम।